गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को यह बताने आया हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किसी अदर मीडियम में जाती है, तो लाइट बेंड करती है, ठीक है। तो यह लाइट बेंड क्यों करता है, हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बारे में सोचेंगे कि हम लोग तो ऐसा एक थ्योरेटिकल तो जानते ही हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है हमारी। तो लाइट बेंड क्यों करती है, तो हम लोग बस इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि चेंज इन स्पीड, लाइट के स्पीड में क्या होता है, चेंजिंग होता है। जिस चेंजिंग के कारण से ही जो होता है हमारा ये बेंडिंग होता है लाइट में, ठीक है। तो आज हम लोग यह इसके बारे में यह पढ़ेंगे आखिर लाइट बेंड होता क्यों है, ठीक है ना, लाइट बेंड होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग थिंक करेंगे। तो चलिए हम लोग थिंक करते हैं कि लाइट बेंड क्यों करता है। तो पहला जो मतलब जो थ्योरी लिया गया, ठीक है ना, उससे हम लोग विचार करते हैं कि किस तरह से लाइट बेंड करती है। आप लोग खुद सोचेंगे कि लाइट इस तरह से बेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम इसके बारे में यह नहीं कहने जा रहे हैं कि यह मेरा जो पहला जो थ्योरी है यही सही है। इसके लाइट बेंडिंग के कई सारे थ्योरी दिए गए हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट्स थ्योरी है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइट बेंड क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक। तो यह बच्चा जो है पानी में डूब रहा है, यह बच्चा जो है पानी में डूब रहा है। अब इसको बचाना है, इसको बचाना है, तो इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, चार वे हैं, ए बी सी और डी। अब आप लोगों को यह थिंक करना है कि कौन सा इसके लिए ऑप्शन बेटर होगा, किस रास्ते से वह जाए कि यह इसको आसानी से बचा ले, ठीक है। तो हम यह देखते हैं कि फर्स्ट में ए में देखते हैं कि यह इतना दूर ट्रेवल करेगा, फिर इसके बाद ये वाटर में इस तरह से ऐसे आएगा, तो यह ए वाला ऑप्शन ज़्यादा हमको शॉर्टेस्ट नहीं लग रहा है। कंपैरेटिव हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी। बी में चलिए हम लोग देखते हैं कि बी में एक ऐसे आया और सीधी एकदम इस तरह से आ गया, एकदम डायरेक्ट इधर से आया, जंप इधर आया और जंप लगाया और यहाँ पहुँच गया। तो चलिए इससे ए वाले से कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक। अब चलिए हम लोग डी को देखते हैं, ठीक। तो डी को देखते हैं, जब इधर से ऐसे आएगा, इधर से आएगा और ऐसे आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से लगता है कि बी से ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ जो है डी का है, ठीक। तो अभी तक हम ए बी और डी में कंपेयर हमने किया तो ऐसा लगा कि डी पाथ जो है अभी शॉर्टेस्ट है, लेकिन एक पाथ अभी और बचा हुआ, वो पाथ है सी। तो देखिए, यह सी पाथ इधर से ऐसे आएगा और इस तरह से होकर के ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक। तो ये लाइट बेंड होगी और इसको ये बचा लेगा। तो यहाँ हमको ये देखने से, ऑब्जर्व करने से हमको यह लगता है कि ए बी सी डी में से जो चारों में से जो सबसे शॉर्टेस्ट जो वे है वह है हमारा सी है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं इस तरह से, जब लाइट इस तरह से हमने पढ़ा है कि यह वाटर है और यह एयर है, लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है इस तरह से, तो क्या होता है इसमें कि इसमें दो बातें होती है। यह एयर जो है यह हमारा रेयरर मीडियम है और वाटर जो है हमारा डेंसर मीडियम है। तो कहा जाता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो परपेंडिकुलर की तरफ मूव करती है, यानी कहने का मतलब लाइट ऐसे है तो लाइट इस तरह से ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है हमारा परपेंडिकुलर की तरफ ऐसे इस तरह से मूव कर जाएगी। तो यह ऐसा इसलिए होता है कि साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि यह इसलिए ऐसा होता है कि लाइट जो है हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेती है और इसी कारण से लाइट में बेंडिंग होती है। यह पहले के लोगों का इस तरह का मानना था, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लाइट बेंड क्यों करती है, कि लाइट का ऐसा नेचर होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो लाइट हमेशा यह सोचती है कि वह एक शॉर्टेस्ट पाथ को ले, उसमें उसके सारे लिए बहुत सारे पाथ हैं, ठीक है, और उस पाथ में से वह शॉर्टेस्ट पाथ का चुनाव करती है। जैसे यहाँ के हमने आपको बताया कि इसको जाने के लिए बहुत सारे वे थे,
ऐसे भी जा सकता था ए से बी से सी से डी से, लेकिन इसमें सबसे पहले उसको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ उसको सी लगा। तो इसी सी में देखिए क्या होता है कि जब ये लाइट यहाँ से जब आती है तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर या ड्रॉ की, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या हुआ कि यह जो है लाइट इस तरफ परपेंडिकुलर की तरफ बेंड करके, और इसी कारण से जो होता है यह हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम बात यह बताएंगे कि रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी तो बेंडिंग होगी, और बेंडिंग टू टाइप से हो सकती है। पहला तो यह हो सकता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक इसका हम यदि इसको हम जस्ट अपोजिट कर दें, इस तरह से अपोजिट कर दें, इसको हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, और हम इस तरह से कह दें कि लाइट इधर से चली है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, इधर जा रही है लाइट, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए लाइट इधर से जब चलेगी डेंसर मीडियम से रेयर, तो इसको जाना चाहिए था किस तरफ से, ऐसे चला जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन क्या हुआ परपेंडिकुलर से दूर चली गई, ठीक। तो ठीक इसका उल्टा हो गया, तो इसका हम मतलब हम कह सकते हैं कि जब लाइट डेंसर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है वह लाइट परपेंडिकुलर तो क्या होता है परपेंडिकुलर की तरफ मूव करती है, ठीक। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब हम यहां कहें इस तरह से डेंसर, जब हम लिख दे जो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी तो डेंसर और रेयर कहने का मतलब यह होता है कि डेंसर वैसा मीडियम होता है जो ऑप्टिकली डेंस होता है, घना होता है, जैसे कि एयर और वाटर में घना कौन सा है, वाटर, ठीक है। तो जब घने मीडियम से कम घने मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट जो होती है हमारी मूव टुवर्ड्स परपेंडिकुलर ना हो करके अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर हो जाती है, क्या हो जाती है मूव अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक। तो ये तो पहला हमने आपको बताया, तो पहले में हमने आपको यही बताया कि लाइट का मूवमेंट होने का सबसे पहला कारण क्या है कि इसमें हम लोग कहेंगे कि यह वेलोसिटी चेंज होने के कारण से होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज करता है, और दूसरा हम बताएंगे कि लाइट हमेशा जो है शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढती है, ठीक है, जैसा कि इसमें हमको दिखाया गया, इसीलिए इस तरह से लाइट बेंड करती है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आया, इसको नोट कीजिए। आइए हमारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सेकेंड एजम्पशंस को देखते हैं, जो सेकेंड लाइट के बारे में कहा गया कि लाइट क्यों मूव करती है। पहला तो हमने यह देखा कि लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, दूसरा कुछ लोगों ने इस प्रिंसिपल को दिया है कि किस तरह से लाइट बेंड करती है, उनका मानना है क्या कि लाइट जो है एक बैंड की तरह मूव करती है, लाइट जो है लाइट तो कहा जाता है कि ये लाइट है या, तो ये इसमें भी कुछ सर्थिंग कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, ठीक है। तो वो उस थिकनेस पर विचार किया गया कि यह कुछ ना कुछ उसमें थिकनेस होती है, तो हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है इस लाइट को और दिखाया कि यह लाइट इतनी थिक है, और लाइट में हमने दिखाया ए बी सी डी इस तरह के चार्ज जो है इस तरह से छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और यह क्या होता है कि जब यह लाइट जब एकदम ठीक इसको हमारे इंटरफेस को टकराती है, इंटरफेस को या बाउंड्री है हमारा, इंटरफेस को बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरफेस को जब टकराती है तो क्या होता है हमारा कि देखिए कि ठीक उस तरह से आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे नहीं सकते, खुद एज्यूम कर सकते हैं कि आप चार दोस्त हैं, ठीक है ना, चार दोस्त हैं और आप चारों मतलब ने एक बड़ी सी छड़ी को लेकर के पकड़ रखा है, चारों दौड़ रहे हैं, जब दौड़ रहे हैं, ठीक है, तब जिस समय दौड़ रहे हैं उस समय आप लैंड पे हैं, ठीक, और लैंड से जैसे ही आप लोग मड पे कीचड़ में उतरे तो क्या होगा उस इस ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जिस दोस्त का सबसे पहला पैर कीचड़ में पड़ेगा तो क्या होगी उसकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यानी कहने का मतलब देखिए इसमें से दो दोस्त है, ये जैसे सबसे पहला इसमें पानी में पड़ेगा, सब मुझे थोड़ी देर के लिए कीचड़ है मड है तो इसमें पड़ेगा तो क्या होगा इसकी इसकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी गति
थोड़ी स्लो, लेकिन ये सी डी जो है इसकी गति क्या हो जाएगी, थोड़ी रहेगी। इसके लिए देखिए, इसके लिए इतना अभी जो है एयर में, यह हमारा जो है ये एयर है और यह क्या है हमारा, ये वाटर है। तो अभी जो है इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन इसके लिए अभी जो है यह खुला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसकी अभी गति क्या होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, फास्ट होगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर तो इसकी स्लो हो जाएगी और इसकी फास्ट होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक टॉर्क ऐसा लगने लग जाएगा, और टॉर्क लगने के कारण से क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी और ये लाइट किस तरह से मूव कर जाती है। तो ये सेकेंड मतलब ऐसा रूल दिया गया कि लाइट इस तरह से बेंड करती है। इसको हम लोग जो है कल्पना करके ही समझ सकते हैं। जैसे कि आप फीचर में, जैसे आप कार चला रहे हैं, ठीक है, तो कार में क्या होता है कि कार का जैसे मान लीजिए एक पहिया ये है, ठीक, एक व्हील ये है हमारा और दूसरा व्हील हमारा ये है। तो जैसे ही ये व्हील इसके में जाएगा तो क्या होगा कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इतना अभी जो है, अभी इतनी सी रोड इसके लिए अभी बाकी है, ठीक है, पक्की सड़क बाकी है। तो पक्की सड़क बाकी है तो यहाँ पक्की सड़क पे इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड में क्या होगा, डिफरेंस होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पे जो है एक टॉर्क लगेगा इस साइड तरफ से, और क्या होगा, लाइट हमारा बेंड हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड है, एजम्पशंस था, ठीक। तो इस तरह से लाइट जो है बेंड करते, पहला तो हमने बताया कि लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, दूसरा मतलब हमने आपको ये बताया कि इसको मार्च पोस्ट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, इस मार्च पोस्ट थ्योरी के कारण से इस तरह से ऐसे लाइट बेंड करती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब आगे थर्ड जो मतलब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर एक नया खोज निकाला, उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट का बेंडिंग इस तरीके से नहीं होता है, हाइगन प्रिंसिपल है, ठीक है, वो हाइगन प्रिंसिपल से उसके कारण से उन्होंने बताया। हाइगन प्रिंसिपल भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, उसके बाद जो है जो सिद्धांत आया, ठीक है, धीरे धीरे वो सिद्धांत जो मैक्स प्लैंक जो सिद्धांत आया, ठीक है ना, उस सिद्धांत के आधार पर जो हमारा जो है यह बताया गया कि लाइट इस तरह से मूव नहीं करती है, ठीक है ना। जो हमारा मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बताया कि लाइट के लिए एक अलग तरह का एक फील्ड उत्पन्न होता है, फील्ड के कारण से एक टॉर्क उत्पन्न होता है, और टॉर्क उत्पन्न होता है जिसके कारण से यह ऐसा सिचुएशन होता है और लाइट बेंड करती है। तो यह सिद्धांत है, ये चलता चला गया, लेकिन हम लोगों को अभी लोअर क्लास के लिए उतना आगे तक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब सिद्धांत जो है बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, फिर उससे एक अच्छा कोई प्रिंसिपल लाया जाता है, फिर उससे कोई नया प्रिंसिपल लाया जाता है। तो हमने आपको लाइट के बेंडिंग के बारे में यही बताया कि हम लोगों को सिर्फ यही पहला यही जानना है कि लाइट में स्पीड में चेंजिंग के कारण से क्या होता है या बेंडिंग होता है, ठीक। तो आप लोगों को बस यही हमारा समझाने का मोटो था कि लाइट बेंड क्यों करता है, ठीक है। तो हमने उसके लिए आपको चार सिद्धांत, पहला तो आपको बताया वो कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को करती है, दूसरा हमको बताया ये वाला, ठीक है ना, इसको, थर्ड में जो है वो हाइगन्स का वेव है, और उसके बाद जो है मैक्सवेल का जो है प्रॉपर्टी है, उन्होंने अलग तरीके से बताया। वो लास्ट मैक्सवेल वाला प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा मतलब अच्छा माना गया है उसको, इसीलिए उसको कंटिन्यू किया गया है कि लाइट के मतलब बेंडिंग के लिए मैक्सवेल का प्रिंसिपल ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इतना सीखे, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट बेंड करती है तो उसके आगे क्या सब होता है, ठीक है ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, और हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन से क्या क्या घटना, हम लोग जैसा जानते हैं कि रिफ्रैक्शन से मतलब रेनबो का फॉर्मेशन होता है, हमारे आँख में भी लेंस हुआ होता है, उसमें भी मीडियम्स होते हैं, अलग अलग मीडियम्स होते हैं, तो वहाँ भी मतलब रेटिना का सॉरी क्या कहते हैं वहाँ पे जो लेंस होता है वहाँ भी अलग होते हैं दो मीडियम्स के कारण से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। पुपिल है, वहाँ पर भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, हमारे आई में दो जगह से रिफ्रैक्शन होता है, एक पुपिल से होता है और दूसरा कहाँ होता है, आई लेंस से होता है, जो कि पुपिल से सबसे ज़्यादा माना जाता है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन वहाँ भी होता है। तो कई जगहों पर रिफ्रैक्शन के कारण से हम लोग देखेंगे, रिफ्रैक्शन के कारण से कोई डाइवर्स जो है जो सनसेट और सनराइज में डिफरेंस पाता है, तो ये सब को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ये भी पढ़ेंगे कि मतलब एक छड़ी जो है पानी में डूबी हुई है तो क्या होता है, टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे ये, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल, पढ़ेंगे साइन आई और साइन आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट कैसे होता है, उसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। लेकिन आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें हमारा बताने का मुख्य मोटो यही था कि लाइट बेंड क्यों करती है, ठीक है। सभी बुक्स में बस इतना ही लिखा हुआ है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है
तो इंजन स्पीड स्पीड में चेंजिंग आता है, जिसके कारण से क्या होता है, लाइट बेंड करता है। लेकिन हमने आपको डिटेल से समझाया कि लाइट बेंड उसके लिए चार पांच प्रिंसिपल का ही बारे में बताया, जो कि लास्ट वाला जो है मैक्सवेल प्रिंसिपल जो है सबसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया माना गया, जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, वो MSc क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो आपको अच्छा लेक्चर लगा होगा, ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पीछे वाले लेक्चर को भी पढ़ते रहिए, जिसमें हमने आपको मिरर करवाया है। मिरर के बाद हम अभी इस पे आए हैं रिफ्रैक्शन पे, हैं और रिफ्रैक्शन के भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से वाच कीजिए, ध्यान से वाच कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ विशेष के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।